हाई गाइज़ व्हाट्सअप हाई एवरी वन आई होप ऑल ऑफ़ यू डूइंग वेल स्टूडेंट्स जो आज का हमारा टॉपिक है हम कल के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे कल हमने डिस्कस किया था प्राइमरी डेटा और वेरियस मैथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सकेंडरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के क्या क्या सोर्सेज हैं कहाँ कहाँ से हमें स्केंड्री डेटा मिल सकता है स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है ये सिक्स वीडियो है इससे पहले हम लोगों ने फाइव वीडियो अपलोड की हैं अगर आपने वो हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन्हें देख लो ताकि आपको हमारी आज की वीडियो या आज का जो हमारा लेक्चर है अच्छे से समझ आए स्टूडेंट्स स्टूडेंट सेकेंडरी डेटा इज कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम बट द इन्वेस्टिगेटर यूज इट फॉर हिज स्टडी स्टूडेंट जो सेकेंडरी डेटा होता है ये जो प्रोसेस किया जाता है और कलेक्ट किया जाता है किसी और ने किया होता है लेकिन इन्वेस्टिगेटर इसको अपनी स्टडी के लिए यूज करता है स्टूडेंट्स सेकेंडरी डेटा जो होता है कहाँ कहाँ कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से सेकेंडरी डेटा मिल सकता है स्टूडेंट्स जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट है कोई डॉक्यूमेंट है न्यूज़पेपर बुक रिटन बाय इकोनॉमिस्ट जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने कोई बुक लिखी है वो भी एक सोर्स है स्कैंड डेटा का या कोई वेबसाइट है स्टूडेंट्स वहाँ से भी इन्वेस्टिगेटर को स्केंड्रीडेटा मिल सकता है जो स्कैंड डेटा का यूज़ करेगा अगर इन्वेस्टिगेटर स्टूडेंट्स तो उससे उसका टाइम और कॉस्ट दोनों बचेंगी लेकिन स्कैंड्रीडेटा को यूज़ करने से पहले इन्वेस्टिगेटर को उसे प्रॉपर स्कूटनाइज कर लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि क्या उसके स्टडी के स्टडी को वो सूटेबल है रिलायबल, रिलायबिलिटी, एडिक्वेसी और एक्यूरेसी उसके स्टडी के अकॉर्डिंग उसे कर लेनी चाहिए स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोर्स सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी डेटा के स्टूडेंट दो ही मेन सोर्सेज हैं एक है पब्लिश सोर्स और एक अनपब्लिश सोर्स पब्लिश सोर्स क्या क्या होते हैं ये देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स जैसे गवर्नमेंट पब्लिकेशन, है जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन स्टैटिस्टिकल ऑब्सट्रैक्ट ऑफ इंडिया बाई स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सी एस ओ ये जो होते हैं ये पब्लिश सोर्स में सबसे बड़े सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा होते हैं स्टूडेंट सेकेंड जैसे इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन भी जो होती हैं ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये टाइम टू टाइम पब्लिकेशन करती हैं ये भी एक कैंडिडेटा का सोर्स होता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट है स्टूडेंट पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आई है स्टूडेंट यहाँ ये भी एक पब्लिश्ड सोर्स है सेकेंडरी डेटा का स्टूडेंट जैसे वेरियस जर्नल्स होते हैं मैगजीन है न्यूज़पेपर हैं जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स और बिजनेस लाइन स्टूडेंट ये भी एक सोर्स है पब्लिश्ड सोर्स है सेकेंडरी डेटा का स्टूडेंट कुछ ऐसी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो डेटा को पब्लिश नहीं करती हैं लेकिन फाइल्स में और ऑफिस रिकॉर्ड में उसे रखती हैं वो भी स्टूडेंट एक सोर्स हो सकता है सेकेंडरी डेटा का नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंट्स प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में स्टूडेंट जो प्राइमरी डेटा होता है वो फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट किया होता है और जो सेकेंड्री डेटा होता है वो ऑलरेडी कलेक्ट कर दिया गया होता है या ऐसे भी कह सकते हैं हम कि वो सेकेंड हैंड डेटा होता है स्टूडेंट्स इट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली बाय इन्वेस्टिगेटर और हिज टीम स्टूडेंट जो प्राइमरी डेटा होता है वो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर और उसकी टीम के द्वारा लेकिन जो सेकेंडरी डेटा होता है स्टूडेंट्स ये कंपाइल कोई और करता है और जो कलेक्ट किया होता है पहले ये किसी और ने किया होता है स्टूडेंट्स जो प्राइमरी डेटा होता है उसको कलेक्ट करने की जो कॉस्ट होती, होती है ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स और जो सेकेंडरी डेटा है उसकी कॉस्ट कम होती है इट रिक्वायर्ड मोर टाइम प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है और जो सेकेंडरी डेटा स्टूडेंट उसमें लेस टाइम लगता है पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग पर्सनल बाइज स्टूडेंट पर्सनल बाइस्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं प्राइमरी डेटा में और पर्सनल बाइस्ड के चांसेस मिनिमम होते हैं स्कैंड डेटा में स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है पॉपुलेशन स्टूडेंट जो पॉपुलेशन है ये टर्म स्टैटिस्टिक्स में बार बार यूज होगी हमने कल के लेक्चर में भी देखा था कि पॉपुलेशन क्या होती है स्टूडेंट्स स्टूडेंट पॉपुलेशन जो होती है पॉपुलेशन इज़ द पूल ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम विच ए स्टैटिस्टिकल सैंपल इज ड्रॉन फॉर स्टडी स्टूडेंट्स ये एक पॉपुलेशन का पूल होता है मान के चलो कि हम लोगों को ये देखना है स्टूडेंट्स की जो हायर सेकेंडरी जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके इकोनॉमिक बैकग्राउंड को हमने स्टडी करना है तो हम लोगों के लिए स्टूडेंट जितने भी हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं वो सब पॉपुलेशन होंगे स्टूडेंट्स स्टूडेंट जो पॉपुलेशन होते हैं उसकी दो टाइप्स हैं एक फाइनेट पॉपुलेशन फाइनेट पॉपुलेशन में स्टूडेंट्स हम लोग इंडिविजुअल को काउंट कर सकते हैं और इनफाइनिइट पॉपुलेशन में स्टूडेंट्स हम पॉपुलेशन जो है उसको काउंट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स वो है सेंसिस इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड इन दिस मेथड इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन ए स्टेटिस्टिकल पॉपुलेशन स्टूडेंट जो सेंसिस मेथड होता है इसको कंप्लीट इनूम्रेशन मेथड भी कहते हैं और इसमें जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो होता है पॉपुलेशन का उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है स्टूडेंट मान के चलो कि जो इलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट हैं हमें उनकी हाइट मेजर करनी है जब हम इलेवेंथ क्लास के हर एक स्टूडेंट की हाइट अलग अलग मेजर करेंगे स्टूडेंट्स तो उस मेथड को बोलते हैं सेंसिस मेथड या कंप्लीट इनमरेशन मेथड। स्टूडेंट जो सेंसिस मेथड है इसकी बेस्ट एग्जांपल है सेंसिस ऑफ इंडिया और जो हर दस साल बाद होता है स्टूडेंट्स उसमें एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है डेमोग्राफिक डिटेल के बारे में स्टूडेंट्स और ये जो रिपोर्ट होती है ये पब्लिश करता है रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दिस मैथड स्टूडेंट जो कंप्लीट इनोम्रेशन मैथड होता है ये कहां पर सूटेबल है जहां पर पॉपुलेशन स्मॉल हो और स्कैट ना हो स्टूडेंट्स स्कैटर मतलब फैली हुई दूर दूर ना हो अदरवाइज स्टूडेंट्स इस सेंसिस मेथड के कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं जैसे स्टूडेंट्स पहला डिसएडवांटेज है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा ये एक्सपेंसिव हो जाएगा ये वाला मेथड्स और हमें वेल ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर और स्किलफुल इन्वेस्टिगेटर चाहिए स्टूडेंट्स इसके लिए मोर एरर क्रीप ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ वर्क स्टूडेंट वॉल्यूम ऑफ वर्क ज्यादा होता है सेंसिस मेथड में इसलिए एरर ज्यादा होने के चांसेस बने रहते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट जो कंप्लीट इनूम्रेशन मेथड होता है ये वहां पे भी सक्सेसफुल नहीं है जहां पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल है पॉपुलेशन जो है डिस्टिंक्टिव नेचर की है वहां पर भी ये मेथड सक्सेसफुल नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टूडेंट जहां पर जो एरिया ऑफ सर्वे है अगर स्टूडेंट वो लार्ज है और हमें उस एरिया के बारे में नॉलेज कम है या उस पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज कम है तो स्टूडेंट ये वाला सेंसिस मेथड भी वहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं है जैसे मान के चलो कि हमें टाइगर पॉपुलेशन काउंट करनी है कि इंडिया में कितने टाइगर हैं या नंबर ऑफ़ ट्री एक फॉरेस्ट में कितने हैं स्टूडेंट्स सेंसिस मैथड से करना ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट्स इन्हीं शॉर्टकमिंग्स को देखते हुए स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट मैथड हमारा वो है सैम्पलिंग मैथड्स में स्टूडेंट क्या होता है कि सैंपल इज अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन टू स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन स्टूडेंट इसमें जो पॉपुलेशन का जो एक स्मॉल प्रोपोर्शन लिया जाता है और उसकी स्टडी की जाती है और उसी बेसिस पे कंक्लूजन पॉपुलेशन का कंक्लूजन निकाला जाता है स्टूडेंट्स जैसे class, पिछली में हमने देखा कि जो के है, अगर हमें उनकी हाइट मेजर करनी है तो हमें हर एक अलग -अलग की करनी होगी, में. लेकिन स्टूडेंट सैंपल मैथड में हमें हर एक बच्चे की हाइट मेजर करने की जरूरत नहीं है हम कुछ बच्चों की हाइट मेजर करेंगे और उसी बेसिस पे कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि इलेवेंथ क्लास के बच्चों की एवरेज हाइट कितनी है स्टूडेंट्स जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि यहाँ पर एक बोल है और बोल में राइस बन रहे हैं हमें अब कैसे पता लगाना है कि राइस प्रिपेयर हुए या नहीं हुए हम सिर्फ एक ग्रेन को उठाएंगे और उस एक ग्रेन को देखने से हमें पता लग जाएगा कि बाकी के सब चावल बन गए हैं स्टूडेंट्स डिस्क्राइब प्रिसाइजली अबाउट सैम्पलिंग दैट वन ग्रेन सुफाइज टू टेस्ट ए होल पोर्ट ऑफ कुकड राइस स्टूडेंट्स सैम्पलिंग यूनिट्स सैंपलिंग यूनिट इज द बेसिक यूनिट टू बी सैंपल्ड फ्रॉम द पॉपूलेशन विच नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड फॉर द परपज ऑफ सैंपलिंग द हेड ऑफ़ हाउस इज द सैंपलिंग यूनिट फॉर द हाउस होल्ड सर्वे स्टूडेंट जो हेड ऑफ द हाउस होते हैं वो एक सैम्पलिंग यूनिट होते हैं हाउस होल्ड सर्वे के लिए इन द स्टडी टू नो द एवरेज एज ऑफ क्लास स्टूडेंट इज द सैंपलिंग यूनिट नेक्स्ट स्टूडेंट सैंपलिंग फ्रेम adopt a sampling procedure, it is necessary to prepare a list such that there exist one-to-one -one correspondence between sampling units and numbers. Such a list or map is called sampling frame. A list of villages in a district. A list of 10 pl plus 1 or plus 2 students in the above said example a list of house in a household survey etc. Students next has sampling size. सैंपलिंग साइज क्या होता है इज द नंबर ऑफ यूनिट इन ए सैंपल्स स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं हम कुछ मैरिट्स और लिमिटेशन जो सैंपलिंग की है. क्या है इसका जैसे कॉस्ट जो सर्वे कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट हम सैंपलिंग सर्वे उसमें लेस कॉस्ट लगती है हमको एज कंपेयर टू कंप्लीट इन मैथड नेक्स्ट स्टूडेंट जो टाइम है द कंजप्शन ऑफ टाइम इज रिलेटिवली लेस इन ए सैंपल स्टडी देन द

नेक्स्ट स्टूडेंट लिमिटेशन एक्यूरेसी डिपेंड ऑन द ऑनेस्टी ऑफ इन्वेस्टिगेटर स्टूडेंट जो सैंपलिंग मेथड के थ्रू जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसकी जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है कि जो हमारा इन्वेस्टिगेटर है वो कितना ऑनेस्ट है स्टूडेंट सेकेंड लिमिटेशन है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग एरर स्टूडेंट जब हम लोग सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस पॉसिबिलिटी रहती है स्टूडेंट स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सैम्पलिंग के टाइप को डिस्कस करेंगे आज हमने जो डिस्कस किया स्टूडेंट आज हमने डिस्कस किया सेकेंडरी डेटा सेकेंडरी डेटा के जो सोर्सेज हैं स्टूडेंट पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स उसके बाद स्टूडेंट हमने कंपैरिज़न किया प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा के बीच में फिर टर्म पॉपुलेशन को समझा स्टूडेंट पॉपुलेशन जो है फाइनाइट पॉपुलेशन इनफाइनाइट पॉपुलेशन फिर हमने सेंसिस मेथड को डिस्कस किया स्टूडेंट और फिर हमने सैम्पलिंग मेथड को डिस्कस किया स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच बाय टेक केयर आई वुड बी कमिंग अप विथ सच मोर ऑसम लेक्चर सून्स ऑल राइट बाय